अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कुकिंग एंड बेकिंग एक्सपर्ट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ दम कीमा, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ आधा किलो कीमा है, दो प्याज लेके मैंने उनको फ्राई कर लिया है, 1 टेबल स्पून पपीता पेस्ट, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट, 3 पत्ते मैंने तेज़पात के लिए हैं। यहाँ जायफल लेंगे, यहाँ जावित्री लेंगे, आधा आधा चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, आधा चाय का हल्दी, 1 प्याली दही लेंगे, 7 अदद साबुत मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा। तो चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले हम इन स्पाइसेस को हल्का सा भून लेंगे, साबुत मिर्च, धनिया, ज़ीरा और तेज़पात को। यहाँ एक फ्राई पैन में मैंने पहले से गरम रख दिया था, इन सारे स्पाइसेस को डाल देंगे और हल्का सा भून लेंगे। तेज़ आंच पे यहाँ ये भून चुका है, अब इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ मैंने पीस लिया है ये, अब हम कीमा लेंगे और कीमे में ये सारा मसाला डाल देंगे, बाकी सारे स्पाइसेस भी डाल देंगे, नमक, गरम मसाला, पिसी हुई मिर्च और हल्दी, लहसुन पेस्ट भी डाल देंगे, सॉरी पपीता पेस्ट, प्याज भी डाल देंगे, लहसुन अदरक पेस्ट, जायफल और जावित्री भी, जो यहाँ 1 प्याली दही ली थी उसको हम पहले भून लेंगे और ये भी इसमें ही डाल देंगे। अब जो यहाँ मैंने जिस तेल में मैंने प्याज फ्राई की वो तेल भी हम इसमें ही डाल देंगे, 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल है और उसको अब हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ ये मैरिनेशन हो चुकी है, अब मैं इसको आधे से 1 घंटे के लिए हम इसको कवर कर कर फ्रिज में रख देंगे। यहाँ आधा घंटा पूरा हो चुका है, अब इसमें मैं कोयले का धुआं दूंगी पहले। इसको मैं कवर करके 5 मिनट के लिए रख दूंगी। यहाँ ये हो चुका है, अब इसको निकाल लेंगे बाहर और इसको अब हम पकने के लिए रखते हैं। अब यहाँ एक पैन में हम 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और ये कीमा सारा हम इसमें यहाँ हमारा ये डन हो चुका है। अब इसमें लास्ट में मैं 1 टेबल स्पून बेसन है जो हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। जो बेसन की खुशबू है वो अलग ही होगी इसमें। इसको 2 मिनट के लिए कवर करेंगे फिर डिश आउट करेंगे। यह 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम डिश आउट करने चलते हैं।
हम इसमें निकालते जाएंगे इस तरीके से। इसके ऊपर गार्निश करेंगे, गार्निश करेंगे प्याज से और कुछ हरा धनिया, कुछ अदरक और हरी मिर्च। ये हमारा रेडी हो चुका है मज़ेदार सा दम कीमा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।